सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि मेरे को 50 रुपीज इसी हुआ है इस कैंपिलूट की तरफ से। तो ये कैंपिलूट को मैंने ना अपने फोन में ट्राई किया और अपने भाई के फोन में ट्राई किया, मेरे को पैसा नहीं आएगा, पर इसका पेमेंट ना मेरे को हाफ आवर में आ गया, मतलब कि ना 30 मिनट में रिसीव हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को ना 50 करके ना दो बार ना कैशबैक रिसीव हुआ इसने अपने पेटीएम वॉलेट में, ठीक है। तो इसको आपको पूरा लाइफ प्रूफ और पेमेंट प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह करना है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कॉमेडी होगा, ठीक है। आप एक बार पेटीएम भी दे सकते हो, यहाँ पे मेरे को ना 50 इसी हुआ, ठीक है। अभी एक बार नहीं, अपने दो बार ना अपने एक ही पेटीएम नंबर में ले सकते हो, यहाँ पे जैसे दूसरी बार भी मेरे को मिली थी। मैं सोचा यार नहीं हुआ, शायद अब फेक कैंप भी लूट होगा। इसके लिए मैं सोचा, जब भी मैंने देखा कि हाफ आवर के बाद मेरे को ना तुरंत अपने ना पेटीएम में ना 50 इसी हो गया, ठीक है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जैसे टैप करोगे ना तो आपने एक कैंप लूट की वेबसाइट पर आ जाओगे। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद आप जो पोस्ट टैप में लिखा हुआ है ना कि एंटर दिस कोड, इस कोड को आपको यहाँ पे प्रेस करके कॉपी कर लेना या फिर एक नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कोड को कॉपी कर लोगे प्रेस करके, यहाँ पे आपको अपना पेटीएम नंबर दे देना, जिस पेटीएम नंबर में आपको 50 दिए, ठीक है। जैसे कि मैंने 50 दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, अपना पेटीएम नंबर यहाँ पे डाल देना है, डालने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है, सबमिट के बटन में टैप कर देना है। टैप कर दोगे तो आपने इसने प्ले स्टोर पे आ जाओ, प्ले स्टोर पे आने के बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना, याद रखना पहले से इंस्टॉल ना हो क्योंकि इसमें न्यू यूजर ओनली है। तो अपने पप्पा या मम्मी या फ्रेंड के मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना जिसमें आपने कभी इंस्टॉल ना किया। अभी आईग्री का ओपन करो, आईग्री का बटन दिखे उस पर क्लिक करना, मोबाइल नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर जैसे डालोगे इसको ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको अपना यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे सबमिट कर दोगे कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे कि यूजर नेम मांगेगा। यूजर नेम में आपको क्या करना है, अपना नाम डाला जो भी आपका नाम है, ठीक है। यहाँ पर जैसे नाम डाल दोगे उसके नीचे आपको अपना जेंडर पूछा जाएगा, तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर देना है। उसके नीचे आपको बजट पूछेगा, तो बजट आपको ना 18 के ऊपर का डालना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 18 के ऊपर डाल देता हूँ, आप 21, 22, 23 जो भी डालना है डेंडम भी डाल देना, पर 18 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। डालने का जो आपने कोड ना कॉपी किया था वो कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना, PZV स्मॉल में और 5 और ए स्मॉल में और ई कैपिटल में, ठीक है। ये डाल देने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है ना, आप बॉक्स के नीचे आपको टिक कर देना है और ना इसको ना कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे अलाउ करने के बाद अलाउ कर देना, अलाउ करने ओके पे आपको स्क्रीन के सामने 50 रिसीव हो चुका है, वो आके ना पेटीएम में ऐसा बता रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, हाफ आवर आपको ना थोड़ी देर वेट कर लेना, जैसे वेट कर लोगे ना तो आपको ना पे नोटिफिकेशन आ जाएगा ऊपर से, आपको ना पेटीएम में ना 50 सेंड कर रिसीव हुआ होगा, ठीक है। बस वीडियो में इतना ही, तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।